गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं राजगढ़ की खबरों की ओर। 25-26 तारीख को होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर राजगढ़ जिले के प्रशासन ने जनता से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने तथा टीका लगवाने की खास तौर पर अपील की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना मुक्त लक्ष्य को प्राप्त के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर राजगढ़ जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह अथवा पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने राजगढ़ जिले की जनता से सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाने की दरख्वास्त की। इसके साथ ही उन्होंने जनता से कोरोना वैक्सीन का महत्व बताते हुए वैक्सीन लगाने की अपील भी की है। राजगढ़ से सत्येंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आप सभी से अनुरोध है, दिनांक 25 और 26 दोनों दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान शासन की तरफ से दोबारा चलाया जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अगर पहले डोज के बाद निश्चित समय सीमा में दूसरा डोज ना लगे तो कई बार उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसको देखते हुए 26 तारीख को जिन जिन्होंने पहला डोज अपना लगा लिया और जो द्वितीय डोज के लिए ड्यू है, 26 तारीख को अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच के दूसरा डोज लगवाकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोविड टीकाकरण के लिए दिनांक 25 और 26 अगस्त को पुनः महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि ऐसे क्षेत्रों में खासतौर पर वैक्सीन लगाई जाएगी जहाँ पर ज्यादा संख्या में लोग छूटे हुए हैं या जहां पर अभी तक वैक्सीनेशन के कैंप्स नहीं लगाए गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इन वैक्सीनेशन के कैंप्स में आप पहुंचें और अपना प्रथम डोज और द्वितीय डोज लगवाएं। जिनका द्वितीय डोज ड्यू हो गया है उनके लिए 26 तारीख को विशेष तौर पर कैंप्स लगाए जाएंगे जिसमें आप द्वितीय डोज लगवा सकते हैं। और यह भी कृपया ध्यान रखें कि अगर आपने प्रथम डोज लगवाया है और निर्धारित समय सीमा के बाद आपने द्वितीय डोज नहीं लगवाया है तो प्रथम डोज का भी असर कारगर नहीं होगा। इसलिए सबसे अनुरोध है कि 25 और 26 तारीख को आप आएं और टीकाकरण का लाभ।